सो पार्ट 28 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनियन के टीचर पूरी क्लास को बता रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन कंपटीशन होने वाला है ये कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं है, बल्कि जो भी फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसको यूके जाकर स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो ये सुन सभी लोग खुश होने लगे, यहाँ तक कि कायतो और यूनियन तो एक दूसरे से बैट तक लगा लेते हैं कि देखा जाएगा कि कौन इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा। लेकिन निंग परेशान नजर आ रहा है बिकॉज उसे लग रहा है कि यूजिन यूके चली जाएगी, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यूजिन है, इसलिए कहने लगा कि प्लीज तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो। लेकिन यूजिन निंग की एक नहीं सुनती बल्कि इरिटेट होकर जाने लगी। तो तब कायतो निंग का मजाक बनाने लगता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आफ्टर क्लास जब ये सभी जा रहे थे कि तभी कायतो को उसके डैड का मैसेज आया जो कि मिलना चाहते हैं, इसलिए कायतो फुल स्पीड के साथ भागता हुआ यहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे अभी से पहले की यूनियन भी जा पाता, लेकिन तभी वो रुक गया बिकॉज निंग के पास मियाओ की कॉल आई थी, इसलिए वो बातें सुनने लगता है। जहाँ मियाओ निंग से किसी बुक के बारे में पूछ रही है, तो तब यूनियन को पता चल गया कि मियाओ इस टाइम कहाँ है, इसलिए वो भी तभी मियाओ से मिलने उसके पास आ जाता है एंड मियाओ को जूस पैक देता है। मियाओ हैरान हुई कि आप यहाँ कैसे, लेकिन फिर बाद में ये दोनों साथ में बैठकर स्टडी करने लगे, बट किसी का भी फोकस बुक में नहीं था, यानी दोनों ही बार बार एक दूसरे को देख रहे थे एंड स्माइल कर रहे थे। मियाओ से गलती से इंक फेस पर लग गई, तो तब उसको यूनियन जब जैसी क्लिक करने के लिए मियाओ के क्लोज हुआ तो तब मियाओ यूनियन को बस देखती ही रह जाती है, यानी कि उसको बहुत ही अच्छा फील हुआ। जिसके बाद अब हमें कायतो को उसके डैड के साथ दिखाया गया, जहां कायतो जल्दी जल्दी खाना फिनिश करता है एंड अपने डैड को बैंक कार्ड देकर यहां से जाने लगा, ये कहकर कि इसमें से आप सभी पैसे ले सकते हैं। लेकिन डैड कायतो को रोकते हैं और पूछने लगे कि क्या तुम मुझे सब बातें एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दोगे। तो तब कायतो वहां बैठ गया। डैड ने बताया कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए एंड मैंने तुम्हारी ई बाइक भी उन लोगों से वापस ले ली है एंड अब वो कभी तुमको परेशान करने भी नहीं आएंगे। तो तब कायतो हैरान हुआ कि आपने ऐसा क्या किया है, यानी बिना पैसे के वो आपकी बात को कैसे मान गए। तो तब डैड बताने लगे, इसलिए क्योंकि मैं उन सभी से प्रॉमिस कर चुका हूँ कि बहुत जल्द पैसे वापस करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर वर्क करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं बहुत मेहनत करूँगा और अपना पूरा लोन चुका दूंगा। कायतो हैरान हुआ कि क्या आप दोबारा जा रहे हो। तो तब डैड शांत हो गए। कायतो बातों बातों में बता देता है कि मुझे आपके और मॉम के डाइवोर्स का रीज़न पता चल चुका है, जो कि गैम्बलिंग थी, है ना। तो ये सुन डैड नज़रें चुराने लगते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं कि उनकी वजह से तीनों की लाइफ ख़राब हो गई, मगर फिर प्रॉमिस करते हैं कि लेकिन देख लेना, इस बार मैं सक्सेसफुल होकर ही वापस आऊँगा। और फिर जब जैसे जाने लगे तो तब कायतो भी उनको अच्छे से गुड बाय बोलता है। वैसे तो कायतो का मन नहीं था अपने डैड को दूर भेजने का, क्योंकि वो उनको माफ भी कर चुका है, लेकिन तब भी सही से बाय बोलता है। तो तब डैड यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब कायतो वापस अपने हॉस्टल रूम आया तो तब उसे अपनी मॉम की साइड से आया हुआ पार्सल मिला, यानी कायतो का वही बैग जो वो घर पे छोड़ आया था विद नोट, जहाँ मिस रोज सॉरी बोल रही है कि उनको कायतो पर शक नहीं करना चाहिए था और ना ही कायतो पर चिल्लाना चाहिए था। तो तब कायतो को भी फील हुआ कि वो कैसे अपनी मॉम को कितना बुरा बुरा कहकर आया था, इसलिए तभी नेक्स्ट सीन में वो अपनी मॉम से मिलने आ जाता है एंड आज फर्स्ट टाइम वो यूनियन के फादर से हंसकर बात करता है एंड अपनी मॉम को भी फुल रिस्पेक्ट दे रहा था। तो तब ये चीज़ देखकर दोनों ही खुश होने लगे। मॉम कायतो के लिए डंपलिंग्स बनाने चली गई, तो वहीं मिस्टर लिंग कायतो से उसकी स्टडी के बारे में पूछने लगे। तो तब कायतो ने प्यार से जवाब दिया कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो तब मिस्टर लिंग भी खुश हो जाते हैं। कायतो अब अपनी मॉम के पास किचन में आया उनकी हेल्प कराने, जहाँ वो बातों बातों में मॉम को सॉरी करता है अपने बैड बिहेवियर के लिए। तो तब मॉम इमोशनल होने लगी, यानी कि कायतो को माफ कर देती हैं बिकॉज अब इन दोनों के बीच डाइवोर्स को लेकर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग बहुत ही ज्यादा परेशान है एंड बोल रहा है कि मुझे भी यूजिन के साथ अब्रॉड जाना है, लेकिन टिकट की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो तब वांगी एंड मियाओ दोनों पूछने लगी कि क्या सीनियर यूजिन अब्रॉड जा रही है। तो तब इस बात पर निंग बोला कि हाँ, क्योंकि अब देखो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस वही तो लाएगी, तो फिर वही तो यूके जाएगी। तो तब मियाओ कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी सीनियर यूनियन भी फर्स्ट आ सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो तब निंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर यूनियन भी यूके चला जाएगा, वो भी पूरे एक साल के लिए, तो फिर तब तुम अपना सोच लेना। तो ये सुन मियाओ शांत हो गई, यानी कि उदास होने लगी, बट वांगी समझाती है कि कोई नहीं, फिर तुम उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह लेना। कि तभी यहाँ पर शिन आई इन दोनों को ये बताने कि उस पर्सन का पता चल चुका है जिसने मियाओ के अगेंस्ट पोस्ट की थी, यानी उस पर्सन का IP एड्रेस तुम दोनों के रूम से आ रहा है।
तो ये सुनते ही वांगी एंड म्याओ दोनों एक साथ लिली का नाम लेती हैं, क्योंकि सिर्फ वही ऐसा कर सकती है, इसलिए तीनों उसके पास जाने लगी। तो तब निंग कहता है कि ये सारी कितनी ज्यादा डेंजरस है, पता नहीं मेरी यूजिन इन लोगों के साथ इनके रूम में रहती कैसे है। वेल, अब हम लिली को देखते हैं जो कि अपना वेट चेक कर रही थी, जो कि उसे काफी ज्यादा लग रहा था, इसलिए वो अपनी चीजें उतार कर और सही से वेट चेक करने लगी, बिकॉज लिली को डर लगता है कि कहीं उसका थोड़ा सा भी वेट बढ़ नहीं जाए। कि तभी पीछे से वांगी ने मशीन पर अपना लेग रखा, इसलिए एक टाइम के लिए लिली को शॉक लग जाता है कि इतना ज्यादा वेट कैसे। लेकिन जब वो इन तीनों को देखती है तो तब उनके यहाँ आने का रीजन पूछने लगी। शिन एंड वांगी सब बता देती है कि हमें पता चल चुका है कि म्याओ के अगेंस्ट वो पोस्ट तुमने ही पोस्ट की थी, इसलिए या तो अभी हमारे साथ टीचर के पास चलो, वरना जो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे वो तुम्हें करनी होगी। तो तब पहले तो लिली मानती नहीं है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, पर जब उसे प्रूफ दिखाए गए एंड शिन और वांगी ने उसे काफी ज्यादा डराया भी, तो तब वो पनिशमेंट लेने के लिए मान गई, जो कि ये है कि अब लिली को बहुत सारा जंक फूड खाना होगा, यानी काफी सारी कैलोरीज, जिससे उसका थोड़ा बहुत वेट बढ़ेगा। लिली मना करने लगती है कि प्लीज ऐसी पनिशमेंट मत दो, लेकिन वो तीनों मानती नहीं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम निंग को देखते हैं जो कि कायतो से बोल रहा है कि प्लीज एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए फैशन रूम में आ जाना। तो तब कायतो मान गया। फिर कायतो को रेडियो स्टेशन से कॉल आई इक्विपमेंट फिक्स कराने के लिए, जहाँ की शिन होस्ट है। तो तब कायतो को लगने लगा कि शिन जानबूझकर मुझे बुला रही है, बिकॉज स्टार्टिंग से शिन ने ऐसा ही तो किया है हमेशा कायतो की अटेंशन पाने के लिए। बट जब कायतो रेडियो स्टेशन आया तो पता चला कि वहाँ सच में प्रॉब्लम हुई हुई थी, एंड अब शिन भी पहले वाली शिन नहीं रही है, बल्कि एकदम चेंज हो चुकी है, जो कि कायतो को बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, यानी सही से बात भी नहीं करती और ना ही खुश होती जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। तो तब कायतो को शिन का ऐसा बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा, इसलिए जब वो खुद से शिन से बात करने की कोशिश करता है कि तभी शिन जल्दी से बाहर अपने फ्रेंड के पास चली जाती है और उनसे बात करने लगती है। तो तब कायतो को एक बार फिर बुरा लगने लगा शिन की इस हरकत को देखकर। बाय द वे, जो प्रॉब्लम हुई थी वो कायतो उसे फिक्स कर देता है, और जब शिन से बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो तब शिन कहती है कि हाँ जाओ एंड अपना ख्याल रखना। तो तब कायतो को फिर से बहुत ही अजीब लगा। दूसरी तरफ हमें म्याओ एंड वांगी ये दोनों दिखाई जाती है, जिनको निंग ने अपना काम कराने के लिए रोक रखा है। एक्चुअली निंग मॉर्निंग में यूजिन को प्रपोज करने वाला है, इसलिए उसी चीज की तैयारी कर रहा है। म्याओ और वांगी से ये पूछते हुए कि तुम दोनों के लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी लव लाइफ या फिर तुम दोनों के एग्जाम। तो तब वो दोनों एक साथ बोली ऑब्वियसली एग्जाम। तो तब वो चुप हो गया। दोनों समझाने लगती हैं कि वैसे ये सही टाइमिंग नहीं है फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए, क्योंकि अभी यूजिन कंपटीशन की प्रिपरेशन में बिजी है। तो तब निंग कहता है कि नहीं, यही सही टाइमिंग है, क्योंकि फिर यूजिन यूके चली जाएगी, जिसको फिर मैं कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाऊंगा। एंड तुम दोनों फिक्र मत करो, मैंने कायतो को भी यहाँ बुलाया है हम लोगों की हेल्प कराने के लिए। म्याओ किसी काम से जाने लगती है कि तभी उसको अपने सामने कायतो मिला, इसलिए दोनों के बीच सिचुएशन काफी ऑकवर्ड बन गई। लेकिन तभी म्याओ यहाँ से चली गई, और फिर जब कायतो इन सभी के पास आया एंड उसे बातों बातों में पता चला कि जिसने म्याओ के अगेंस्ट पोस्ट की थी वो शिन नहीं बल्कि कोई और लड़की थी, तो ये सुन कायतो शॉक रह गया। यानी अब कायतो को रियलाइज हुआ कि उसने शिन पर गलत इल्जाम लगा दिए थे एंड शिन की फीलिंग्स को कितना ज्यादा हर्ट किया था, इसलिए वो तभी भागता हुआ साइड में गया एंड शिन को कॉल करके सॉरी बोलने लगा। लेकिन शिन कुछ खास रिएक्ट करती ही नहीं, बल्कि कहती है कि इट्स ओके, क्या अब मैं कॉल कट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। कायतो बोला कि प्लीज मेरे साथ डिनर पे चलो, लेकिन शिन मना कर देती है और फिर तभी कॉल कट करने के बाद अपने काम को करने लगी। इसका मतलब शिन सच में कायतो को भुलाने की कोशिश कर रही है। वेल, अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि कैसे आज डिजाइन कंपटीशन है, इसलिए यूजिन उसी के लिए जा रही थी, लेकिन कई सारे लोग यूजिन के पास आकर उसे फ्लावर्स देने लगते हैं। यूजिन को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है कि तभी उसे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखी, जो कि यूजिन को हीरोइन पुकार रहे थे एंड एज ए हीरो निंग उन सभी के बीच में था। और फिर डायरेक्ट वो यूजिन को प्रपोज कर देता है कि वो यूजिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। तो तब यूजिन एक तो वैसी हैरान थी निंग की इस हरकत को देखकर, इसलिए कहने लगी कि निंग तुम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए कि मुझको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, कम से कम थोड़ा तो सोच लेते। और फिर तभी डायरेक्ट निंग को सभी के सामने रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है। तो तब बेचारे निंग का काफी बुरी तरह दिल टूट गया। ऊपर से सोशल मीडिया पर ये सीन फेमस भी हो गया, जिसे वांगी और म्याओ ये दोनों देख रही हैं एंड बोली कि
हमें सच में निंग के लिए बुरा फील हो रहा है, यानी तभी तो हम उसे रोक रहे थे। तो वांगी कहती है कि पर चलो कम से कम निंग ने अपनी दिल की बात यूजिन को बताई तो सही, वरना तुम तो इतने सालों से यूनियन को पसंद करती हो लेकिन कभी उसे इस बारे में नहीं बताया। तो तब म्याओ बोलती है कि नहीं, मैं भी बहुत जल्द अपनी फीलिंग सीनियर यूनियन को बता दूंगी। वांगी कहने लगी कि नहीं नहीं देख लेना, तुम्हारे बस का नहीं है। तो तब म्याओ एज ए चैलेंज ये बात एक्सेप्ट करने लगती है कि अब तो वो आज ही यूनियन को अपनी फीलिंग्स बताकर ही रहेगी। बट वांगी को बिल्कुल भी म्याओ की बातों पर बिलीव नहीं आ रहा था। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 28 यहीं पर एंड हो जाता है। Had me fall into the ground.